हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 7, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल नया नाम है जो 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़ा है। परमुटेशंस तो शायद मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो हिंदी मीडियम के हैं वो सुना भी नहीं होगा। कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉम्बिनेशन वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं। जैसे हम अपनी ड्रेसिंग के लिए ही कर लेते हैं कि भाई वाइट शर्ट के साथ ब्लू कलर की जीन्स का कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तो कॉम्बिनेशन वर्ड तो हमने सुना है। तो परमुटेशन का क्या मतलब है? परमुटेशन मीन्स बी अरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट इसका एक भाई शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ, बाकी क्या है, कैसे है, कहाँ यूज़ करना है वो सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। इन दोनों का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे? इंट्रोडक्शन हम एनसीईआरटी से उठाते हैं, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है कि इस चैप्टर का लॉजिक क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। देखिए, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रीफ केस है और जिसका जो लॉक है वो नंबर लॉक है। आपके पास 4 डिजिट का नंबर लॉक है जिसमें आपने ये फर्स्ट जो 10 डिजिट्स है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे डिफरेंट डिजिट्स लेकर आपका ये लॉक था, ठीक है। और इसका आप लॉक भूल गए कि क्या नंबर था, क्लियर। अब आपको बहुत ध्यान देने पर याद आया कि भैया पहला ये नंबर तो 7 था, लेकिन ये आखिरी के 3 नंबर आप भूल चुके हो और एक नंबर को आपने एक ही बार यूज़ किया था, तो चलो भी 7 तो हमारी लिस्ट में से गायब हो गया। अब बच कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें से 3 जो अंक हैं, 3 डिजिट है, वो आपने यहाँ भरनी है। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि आप बार 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 कोशिश करोगे कि चलो ट्राई करते हैं 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6, ऐसे आप अरेंजमेंट करोगे। फिर आप 1 0 2 1 0 3 1 0 4 ऐसे ट्राई करोगे। कब तक ट्राई करोगे? इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, हमारे पास एक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। कि हम अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, अब आप समझने की कोशिश करो कि भाई आप यहाँ ना लिस्ट बना रहे हो। आप यहाँ पहले 0 1 2 डाल रहे हो, फिर 0 1 3 0 1 4 0 1 5, और भैया 0 1 7 तो डाल नहीं सकते क्योंकि 7 आ गया, 0 1 8 0 1 9। आपने 0 से ये कितने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपने ये भरा है। फिर आप 1 से बनाओगे, फिर आप 2 से बना के देखोगे, फिर आप 3 से बना के देखोगे। और अभी तो इसका और ध्यान करना, ये जो है ना 0 1 2 है, ये 0 2 1 भी बनेगा, 0 3 1 भी बनेगा, 0 4 1 भी बनेगा, 0 5 1, 0 6 1, 0 8 1। मतलब हम ऐसे ना लिस्ट बनाते जा रहे हैं कि कोई नंबर तो मेरे लॉक में फिट बैठेगा। अब 0 से ही 14 नंबर बन गए, और ये डिजिट्स कितनी है? 9, 14 निम्मे 126। इतनी बार आपको भर के देखना पड़ेगा, और मे बी के इससे ज़्यादा हो, क्या पता मैं गलत कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे तो अच्छा ये ना होगा कि हम लॉक तुड़वा कर नया लॉक लगवा लें। आ रही मेरी बात समझ में? कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ये हमें क्या बताएगा कि इतनी बड़ी लिस्ट बनाने की बजाय हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो डिजिट्स आएंगी वो कितने ढंग से आ सकती हैं, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। मैं एक आइडिया आपको जस्ट दे रही हूँ। मेरे पास अब 9 डिजिट्स हैं, तो 9 × 8 × 7, ठीक है, 72 × 7, 7 × 2 = 14, 1 × 7 = 49 और 1 = 50। मैं तो बिल्कुल ही गलत बता रही थी आपको, 126 बोल रही थी, 504। फिर देख लें भाई, 9 डिजिट है, ये कैसे आया ये मैं बाद में बताऊंगी। मैंने जस्ट आपको इतना बताया कि अगर हम इन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अब मैं लगाऊंगी तो ये 3 अंक जो मैं भूल चुकी हूँ, अगर मैं उनकी लिस्ट करती हूँ, बार 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 मैं ट्राई करती हूँ, तो 504 तरीके से यहाँ मुझे ट्राई करना पड़ेगा। भैया मैं 504 बार लॉक को खोलने की कोशिश करूंगी, उससे तो बेहतर है कि लॉक ही ना चेंज करवा लूँ मैं, ठीक है।
बात समझ आई, ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला, ये आइडिया मुझे मिला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, जो कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे और इसकी हेल्प से हम इनके क्वेश्चंस को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी लिस्ट बनाए बिना आप उनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने मोटा मोटा इतना ही याद रखना है कि उनकी लिस्ट बनाए बिना आप उनके अरेंजमेंट्स को काउंट कर सकते हो। मेरे पास 9 डिजिट थी जिसमें से 3 मैंने यूज करनी थी, तो मेरे हिसाब लगाया कि 504 अरेंजमेंट्स मेरे बनेंगे, तो 504 बार ट्राई करना इन वेन बेकार है, तो क्यों ना मैं नया लोक अरेंज कर लूँ, तो यहाँ हमारा काम ईजी हो जाता है। अब हम इसे अपनी एक डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये तो भाई मैंने एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन थी तो मैंने ले ली। अब आप कहोगे जी हमारे लिए और इसका क्या काम है लोक के अलावा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं, मान लो गर्ल्स हैं आप, भाई कोई लड़की है और उसके पास ड्रेसेस की हम बात करते हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी लड़की के पास 3 तो ड्रेस हैं, सूट्स लगा लीजिए या ड्रेस लगा लीजिए, चलिए 3 ड्रेसेस हैं, क्लियर, और उसके पास 4 फुटवेयर हैं, सैंडल हैं, स्लीपर हैं, चप्पल क्या हैं, शूज़ हैं, मुझे नहीं पता। एक लड़की के पास 3 ड्रेसेस हैं और 4 टाइप्स के फुटवेयर हैं और उसे किसी फंक्शन को अटेंड करना है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट करके डिफरेंट तरीके से वो कैसे जा सकती है। मान लो 3 ड्रेस हैं भाई, ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3, 4 फुटवेयर है, फुटवेयर 1, फुटवेयर 2, फुटवेयर 3, फुटवेयर 4। ठीक है, आप इमेजिन भी कर सकते हो, एक ड्रेस ग्रीन है, एक पिंक है, एक ब्लू है, तो भाई मैंने फर्स्ट ड्रेस डाली तो उसके साथ मैं फर्स्ट फुटवियर डाल सकती हूँ, सेकंड भी डाल सकती हूँ, थर्ड भी डाल सकती हूँ, फोर्थ भी। भाई ड्रेस तो चाहे एक ही है लेकिन उस ड्रेस के साथ जब मैंने पहले वाले जूते डाले तो अलग पेयर बना, उसी ड्रेस के साथ दूसरे जूते डाले तो अलग पेयर बना, उसी ड्रेस के साथ तीसरे जूते डाले तो अलग पेयर बना और चौथे जूते डाले तो अलग पेयर बना। सेम सेकंड ड्रेस के साथ मैं 4 टाइप के फुटवियर पहनूंगी तो भैया D2F1, D2F2, D2F3 और D2F4, तो 4 और 4 8, भाई 8 ढंग से मैं मीन्स वो लड़की जिसके पास ये ड्रेसेस हैं, ये फुटवियर हैं, वो 8 डिफरेंट मेथड से पार्टी में जा सकती है, फंक्शन में जा सकती है, एटलीस्ट वहाँ कुछ तो डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, कितनी ड्रेसेस थी भैया, 3 थी, कितने फुटवियर थे, 4 थे। मान लो ड्रेस पहनना एक इवेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी अभी आपकी वैसे आई नहीं है, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी अभी आई नहीं है, फिर भी एक घटना है, एक इवेंट है। ठीक है, ये एक इवेंट है ड्रेस पहनना, जूते पहनना भी एक और घटना है। ठीक है, ये इवेंट 3 तरह से हो रहा है, ये 4 तरह से हो रहा है। अब आप पार्टी में जा रहे हो तो भैया ड्रेस भी पहन रहे हो और जूते भी पहन रहे हो, ड्रेस एंड शूज दोनों पहन के जाने पड़ेंगे आपको पार्टी में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ड्रेस पहन ली तो शूज छोड़ दिया और शूज पहन ली तो ड्रेस छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, ड्रेस एंड फुटवियर बोथ पहन के आप जाओगे। तो इस इवेंट को अगर मैं ए नाम दे दूं और फुटवियर को डी और एफ है वैसे तो, लेकिन इसको मैं बी नाम दे दूं तो ये हो गया ए एंड बी इवेंट, जिसे हम इंटरसेक्शन भी कह देते हैं सेट की डेफिनेशन में। ठीक है, तो यहां फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर फर्स्ट इवेंट 3 तरह से अक्कर हो रहा है, सेकंड इवेंट 4 तरह से अक्कर हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, देखें एक मिनट, यस मुझे अब आया, ये तो पहली ड्रेस के साथ बने हैं हमारे कॉम्बिनेशन, पहली ड्रेस के साथ 4 बने हैं, दूसरी ड्रेस के साथ 4 बने हैं और तीसरी ड्रेस के साथ भी बेटा जी 4 बनेंगे, तो ये कुल कितने पेयर आपके बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने गलती कर दी, 3 मुझे 2 ड्रेस ध्यान रहा,
तीन ड्रेसेस है ना बच्ची के पास, तीन ड्रेसेस हैं, चार फुटवेयर हैं, तो आपके कितने टोटल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। 12 तरीके से वो बच्ची तैयार होकर फंक्शन में जा सकती है, वो लड़की फंक्शन को 12 डिफरेंट अपने भाई गेटअप में अटेंड कर सकती है, डिफरेंट 12 डिफरेंट गेटअप में। तो एक तो ये तो था सिंपल अपना तरीका, भाई हमने अपना एग्जांपल सा लिया कि तीन ड्रेस है, चार फुटवियर है, तो भाई वो चार चार और चार 12 तरीके से वो पार्टी में जा सकती है। मैथमेटिकली जब मैं इसकी बात करती हूँ तो ड्रेस पहनना भी एक घटना है, जूते पहनना भी एक घटना है, और दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, ए एंड बी। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इनकी अब इनको आपको ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है, जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत इजी आने वाले हैं। ये सिर्फ आपको मैं बेसिक्स बता रही हूँ, भी कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें आगे कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करनी है तो वहाँ थोड़ा सा ये ना हो कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, ये हो जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। भाई ड्रेस भी पहननी है, फुटवियर भी, तीन ड्रेस हैं, चार फुटवियर है, तो 12 मेरे पास अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, मान लीजिए कि उस लड़की के पास जो है हैंड बैग्स ले लें या परफ्यूम ले लें, कोई भी एक आइटम और ले लेते हैं। मान लीजिए उसके पास दो बैग्स हैं, ठीक है, पर्स हैं उसके पास, बैग नंबर 1 और बैग नंबर 2, पार्टी अटेंड करने के लिए क्लच है, कोई भी कुछ भी लगा लीजिए, मिनी पर्स है, तो अब कितने अरेंजमेंट्स होंगे, अब उसके कितने डिफरेंट लुक्स तैयार होंगे। तो देखो भाई, इन सब के साथ पहली ड्रेस पहला जूता पहला बैग, पहली ड्रेस पहला जूता दूसरा बैग, ये सब दुगने हो जाएंगे और 12 दूनी 24 अरेंजमेंट। अब ड्रेस एंड फुटवियर एंड बैग, ठीक है, तो तीन ड्रेस हैं, चार फुटवियर हैं, दो बैग हैं, तो वो 24 डिफरेंट वेज में तैयार होकर उस फंक्शन को अटेंड कर सकती है। आप इसको अप्लाई भी करके देख सकते हो, यहाँ पर ये आपके सामने बिल्कुल मैंने लाइव एग्जांपल भी दिया है। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करें कि ये जो है ना, अब ये मैंने सारी आपको लिस्टिंग करके दिखाई, ये लिस्ट बना के दिखाई है, मैंने अरेंजमेंट करके दिखाया है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि भाई मैंने कहा कि मैं पहली ड्रेस पहला जूता पहला बैग, पहली ड्रेस पहला दूसरा जूता पहला बैग, ऐसे करके जा रहे, ये है लिस्टिंग इतना लंबा, और ये एक ही मिनट में हमने बता दिया कि भाई तुम 24 ढंग से तैयार हो सकते हो। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि हमारी इस लिस्टिंग के काम को खत्म कर देगा और हमें एक ही मिनट में बता देगा कि हम कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है, या जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपको कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स की संख्या बताने में मदद करेगा, उनकी लिस्ट बनाए बिना। इसी टाइप की डिस्कशन आपकी बुक में भी की गई है, जो कि आप पेज नंबर 135 पर रीड कर सकते हो, वहाँ से भी और आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग राइट करती हूँ और उसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की स्टेटमेंट, जो आपने जस्ट अंडरस्टैंड करनी है, कोई याद नहीं करनी, कोई रटनी नहीं है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखाया है। इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज, एन इवेंट, इवेंट क्या बताया था मैंने आपको, मान लो बच्ची ने, किसी ने ड्रेस पहननी है और उसके पास एम डिफरेंट ड्रेसेस है, यानी कि ड्रेस पहनने का जो इवेंट है वो एम डिफरेंट वेज में अकर हो रहा है। Following which, उसके बाद, ठीक है, another event can occur in n different ways, another event, एक और event हो रहा है उसके बाद n अलग अलग तरीके में। भाई ड्रेस तो पहन ली, अब ड्रेस के बाद वो क्या कर रही है, फुटवियर चूज कर रही है, तो फुटवियर चूज करना एक और इवेंट हो गया। फॉलोइंग विच, भाषा को पकड़ो भाई, भाषा को, लैंग्वेज को पकड़ो, फॉलोइंग विच एक और काम हो रहा है जूते पहनने का। देन द टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट्स, दोनों इवेंट्स के इकट्ठे अक्कर होने की जो कुल संख्या है
वो इन द गिवन ऑर्डर, ये बात ध्यान रखना, इन द गिवन ऑर्डर का मतलब पहले ड्रेस ही चूज करनी है, फिर फुटवियर ही चूज करने हैं, एंड है ये यहाँ पर। तो एम एंड एन को अगर हमने एम ड्रेस एंड फुटवियर को हमने चूज करना है, एम ड्रेसेस हैं, एन फुटवियर हैं, तो एम बाय एन वेज में हम इस अक्रेंस को चूज कर सकते, अक्रेंस ही हमारी हो सकती है। समझ आई मेरी बात? फर्स्ट इवेंट एम डिफरेंट वेज में अक्कर हो रहा है, फॉलोइंग विच उसके बाद एक और इवेंट हो रहा है जो कि फुटवियर चूज करने का है। तो दोनों इवेंट की टोटल अकरेंस इन गिवन ऑर्डर एम बाय एन होगी। इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब क्या हो गया कि अब इसके बाद उस बच्ची ने क्या बताया था मैंने कि एंड बैग्स चूज कर लिए, अब उसके पास बैग्स कितने हैं पी, तो अब टोटल अकरेंस कितनी हो जाएगी, एम इंटू एन इंटू पी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने यूज करना है। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं एक एग्जाम्पल में, उससे भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये माइंड में आ जाता है तो आगे आप अपने आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्स वर्ड, ठीक है भाई, चार अक्षरों का वर्ड, अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच वर्ड, उनको मिला के जो बन गया, विद और विदाउट मीनिंग, भाई उस शब्द का चाहे कोई अर्थ निकले या ना निकले, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, जो कि रोज शब्द में आने वाले अक्षरों से बने, वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। देखो सबसे पहली दिक्कत तो जहाँ आती है हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, उन्हें स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती है। तो एक बार में नहीं होगी क्लियर, दो बार में, तीन बार में, चार बार आप उसको पढ़ें। तो क्या कहता है कि चार अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं, वो सारे बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं? रोज में आने वाले अक्षरों को, लेटर्स को लेकर, विद और विदाउट मीनिंग, लिटरेली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चाहे उनका कोई मीनिंग निकले या ना निकले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं कराऊंगी, मैं आपको इसका बेस समझाती हूँ, इसका लॉजिक समझाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, जिसमें एक अक्षर भाई एक ही बार यूज करना है, तो बेटा जी आपके पास चार अक्षर हैं आर ओ एस ई, इन चारों को घुमा फिरा के कितने शब्द आप बना सकते हो, उनकी संख्या पूछी है। केवल नंबर संख्या बतानी है, तो संख्या तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको उनकी लिस्टिंग करके दिखाती हूँ। देखो अब आप एक बार भाई, इन चारों से मैं जो जो शब्द बनाने जा रही हूँ, मैंने आर फिक्स कर दिया, आर ओ एस ई आर ओ ई एस, ठीक है भाई, आर एस ओ ई आर एस ई ओ, आर ई ओ एस और आर ई एस ओ, कितने बन गए? छः। आर को लेकर मैंने छः बना दिए हैं। अब मैं ओ ले लेती हूँ पहले, ओ आर एस ई ओ आर ई एस, एक दो क्वेश्चन पे मैं टाइम लगाऊंगी, देखो बेस बहुत ज़रूरी है, ओ ई आर एस ओ ई एस आर ओ एस आर ई ओ एस ई आर, ओ को लेकर भी मैंने छः वर्ड्स यहाँ बना दिए मैंने, कितने हो गए? 12। ऐसे ही जब मैं एस को आगे लूंगी तो 6 वर्ड्स यहाँ बन जाएंगे, और जब मैं ई को कहो तो मैं बना के भी दिखा सकती हूँ, एस ओ आर ई एस ओ ई आर एस आर ओ ई एस आर ई ओ और भैया एस ई ओ आर एस ई आर ओ, आप देख लेना कहीं रिपीटेशन नहीं है, बहुत ध्यान से देख लो, ई एस ओ आर ई एस आर ओ ई ओ आर एस ई ओ एस आर ई ई आर ओ एस और ई आर एस ओ, कितने बन गए भैया? एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो दूसरे से मैच करता हो। अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनका कोई अर्थ निकलता है या नहीं, क्योंकि ये बुक वाले ने पहले ही कह दिया है विद और विदाउट मीनिंग। तो ये कितने बन गए? 24 बन गए, जब हमने इनकी लिस्टिंग की तो ये 24 बन गए। लेकिन अभी हमने सीखा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, कि लिस्टिंग किए बिना
हम पता लगा सकते हैं कि कितने लेटर यहाँ, कितने वर्ड्स यहाँ पर हमारे टोटल बनने जा रहे हैं। क्लियर है? तो पहले तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया भाई, 6 6 12 6 3 18 और 6 4 24, तो टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे जिनमें 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं, कोई भी लेटर दोबारा यूज नहीं हो रहा है। ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। बट अब हम इसे कैसे करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे लिखें, क्या चीज़ है ये, वो समझने की अब हम यहाँ कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखो गीवन वर्ड इज, गीवन वर्ड इज क्या है, रोज। ठीक है, गीवन वर्ड इज रोज। तो टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स कितने हो गए आपके पास, 4। देखो लेटर है तो अलग अलग लिखना है, आर ओ एस ई। अब आप इसको इस तरह से मान के चलो कि आपको 4 इवेंट यहाँ पर आपके अक्कर हो रहे हैं, 4 इवेंट आपके अक्कर हो रहे हैं, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4। भाई 4 लेटर से आप शब्द बनाओगे तो पहले आप इसको भरोगे, फिर जो यहाँ आ गया उसे यहाँ नहीं भरोगे, जो यहाँ आ गया उसे यहाँ नहीं भरोगे, जो यहाँ आ गया उसे यहाँ नहीं भरोगे। इसको कराने से पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, आर राहुल, ओ ओमबीर, एस सोनू, ई से कुछ भी लगा लीजिए, क्या नाम लें भाई, ई से भी कोई बच्चा है हमारे पास। क्लियर? तो ये 4 बच्चे हैं हमारे पास, ई से मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और उन 4 बच्चों को हमने अलग अलग कंपटीशन के लिए चूज़ करना है। क्लियर? या आप ये लगा लीजिए कि मैंने पोजीशन फिक्स करनी है, मैंने उन्हें प्राइज़ देना है, 1st 2nd 3rd एंड 4th प्राइज मैंने देना है। चार स्टूडेंट्स हैं, 4 ही पोजीशन हैं, 1st पोजीशन 4ों में से किसी भी बच्चे की आ सकती है। ठीक है, क्लियर? अब जिस बच्चे की 1st पोजीशन आ गई वो 2nd पोजीशन पे नहीं आएगा, तो 2nd इवेंट, देखो 1st इवेंट, 1st पोजीशन का मतलब एक इवेंट हो रहा है, एक घटना हो रही है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? 1st प्राइज देने का काम हो रहा है, तो 1st प्राइज तो 4ों में से किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, 2nd प्राइज देने का काम हो रहा है, अब जिसको 1st प्राइज मिल गया वो 2nd प्राइज के लिए होल्ड नहीं करेगा, तो बच्चे कितने बच गए हमारे पास, यहाँ 3 बच्चे बच गए। ठीक है, ये काम भी हो गया भाई। अब 3rd प्राइज देने का काम हो रहा है, तो 2 बच्चे तो एक 1st ले गया पोजीशन, एक 2nd ले गया, तो यहाँ बच्चे कितने बचे, 2, तो 4th प्राइज के लिए 1 ही बचा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अब इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, 4 3 12 2 24 1 24, 24 वेज हैं हमारे पास 4 स्टूडेंट्स को 1st 2nd 3rd 4th पोजीशन देने की। और वो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल रहा कि ये 1st आएगा तो ये 2nd, तो ये 3rd, ये 4th। क्लियर है? तो ये मैंने एक लाइव एग्जांपल से भाई, मैंने एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की है कि 1st 2nd 3rd 4th। अब इसी को हम देखते हैं कि इन 4 लेटर से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास 4 लेटर हैं, ठीक है भाई, यानी कि 4 पोजीशन है हमारे पास। आप इनको नाम दे सकते हो ए बी सी डी, या आप इनको प्लेसेस डिफाइन कर सकते हो, 1st 2nd 3rd एंड 4th। तो आपने यहाँ क्या लिखना है कि 1st प्लेस कैन बी फिल्ड, 1st प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है ना भाई, पहला प्लेस पर तो 4ों में से कोई भी लेटर आ सकता है, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 2nd प्लेस पर आने के लिए 3 ही लेटर रह जाते हैं हमारे पास। तो 2nd के प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज है भाई, 3rd प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, एंड द 4th प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वे। तो 4 लेटर्स के कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप लिखो, लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हो टोटल पॉसिबल 4 लेटर्स
words are 4 into 3 into 2 into 1 इन सब की प्रोडक्ट कर दीजिए तो 24 वर्ड्स हम बना सकते हैं। ये कोई भी चीज़ आपने अपने फेयर वर्क में शो नहीं करनी है, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को भाई ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने जो मेन मेन बातें हैं वो आपने स्टेटमेंट से लिख लेनी है। गिवन वर्ड रोज है तो उसमें चार लेटर आए हैं, अब ये चार पोजीशन हमारे पास हैं, चारों लेटर से हमने फोर लेटर्स वर्ड बनाना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे चार आएंगे, सेकंड पे तीन लेटर आएंगे, वो मैंने इरेज कर दिया, बल्कि मैंने आपको रिपीटिशन का और बताना था, थर्ड टू में फोर्थ वन में, तो टोटल 24 वर्ड्स बन गए और हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कि रिपीटिशन इज अलाउड, यानी कि जो लेटर यहाँ है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी से हम फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी क्लास में अब चार स्टूडेंट्स को मैम ने चूज कर लिया और चार कंपटीशन है। वो पिछला एग्जांपल क्या लिया था मैंने, हम उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज दे रहे थे। अब यहाँ क्या है, चार कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है और भैया रंगोली है, ठीक है, चार बच्चे हैं। अब कोई भी बच्चा कितने भी कंपटीशन में पार्ट ले सकता है, तो सिंगिंग में भी चारों बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डांसिंग में भी चारों बच्चे कर सकते हैं, पेंटिंग में भी चारों बच्चे कर सकते हैं, और रंगोली अलग होती है भी पेंटिंग से, तो रंगोली में भी चारों बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे पास चार इवेंट हुए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को याद करो, मेरे पास चार सूट हैं, चार डी से कुछ भी लगा लीजिए, भाई कोई डिफरेंट क्या बताऊँ अब मैं, ड्रेसेस हैं यहाँ पर चार, आप ऐसे आप कोई आइटम, ये चार आइटम लगाइए, मान लीजिए सूट हैं, फुटवियर हैं, पर्स हैं, परफ्यूम हैं, तो सब मेरे पास चार चार हैं, और तो कितने तरीके से मैं डिफरेंट लुक देकर जा सकती हूँ। तो 4 into 4 into 4 into 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 256। देखो ना, अब मैं आर को ही चार बार यूज कर लूँ तो एक शब्द बन गया, मीनिंग आए या ना आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आर आर ओ ओ बन गया, ऐसे बहुत सारे, वो तो केवल 24 बन रहे थे, ये कितने बनेंगे, 256। अब 256 तो मैं आपको बोर्ड पर भी राइट करके नहीं दिखा सकती, तो इसी लॉजिक को अब आपने समझना है कि आपके पास चार अलग अलग लेटर थे, चारों को यूज करके आपने वर्ड बनाना है, तो यहां थोड़ा माइंड पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि जब मैं वर्ड बना रही हूं, एक चीज और यहां लिख दीजिएगा कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो चार पोजीशन है हमारे पास, चार इवेंट है, चार काम हो रहे हैं, आप ऐसे लगाओ, जिस बच्चे को जिस ढंग से समझ आए वो वैसे ही समझो, चार काम हो रहे हैं हमारे पास। तो पहले काम के लिए मेरे पास चार बच्चे हैं, फर्स्ट पोजीशन देनी है, मैंने चार बच्चे हैं। सेकंड काम के लिए अब एक बच्चा कम हो गया, क्योंकि जो यहाँ काम में लग गया ना वो आगे नहीं लगेगा काम में, तो तीन बच्चे हैं। अब दो बच्चे यहाँ ख़त्म हो गए, यहाँ पर काम में बिजी हो गए, तो यहाँ दो बच्चे बचे, अब तीन बच्चे यहाँ काम में लग गए तो एक बचा, तो 4 3 2 1 और उठा के इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 24 डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट आते हैं। यहीं पर आ जाता है रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। तो फर्स्ट काम के लिए भी मेरे पास चार स्टूडेंट्स हैं, सेकंड काम के लिए भी वही चार स्टूडेंट्स हैं, थर्ड के लिए भी चार हैं, फोर्थ के लिए भी चार हैं, तो उनकी प्रोडक्ट कर दी तो 256 वर्ड्स हम बना सकते हैं जिनका कोई मीनिंग निकलता है। तो ये तो है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड का, और ये वाला है आपका रिपीटिशन इज अलाउड के लिए, ठीक है ना भाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बताया है, m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, तो यहाँ m की जगह 4 3 2 1 और यहाँ m की जगह भी 4, n की जगह भी 4, क्यों p की जगह भी 4, और मान लो क्यू है तो उसकी जगह भी 4 आ जाता है। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखो, ताकि मैं आगे और अच्छे तरीके से आपको इसको बताने की कोशिश कर सकूं। लेट्स डिस्कस नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स,
चार फ्लैग हैं आपके पास अलग अलग कलर के, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर। पहले मैं इसकी हिंदी करती हूँ। हमारे पास चार अलग अलग रंग के झंडे हैं, चार फ्लैग हैं, ठीक है। चार फ्लैग का मतलब चार पट्टियाँ हैं आपके पास अलग अलग कलर की, और उनको लेकर एक सिग्नल बनाना है, एक सिग्नल बनाना है, एक संकेत बनाना है, ठीक है। अब संकेत कैसे बने, ऊपर एक झंडा ऊपर यहाँ लगा दिया और एक और झंडा इसके नीचे लगाकर हमने एक स्टैग पर टक कर दिया, तो इन दो प्लेसेस पर कितने तरीके से हम सिग्नल बना सकते हैं। क्या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? मेरे पास चार फ्लैग हैं, एक वाइट है, एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है। अब एक बात और ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट में, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, अलग अलग सिग्नल कितने बन सकते हैं। तो ये देखो भाई, वाइट लगा दिया मैंने ऊपर, ठीक है, तो वाइट के साथ मैं रेड लगा सकती हूँ, येलो लगा सकती हूँ, वाइट के साथ मैं ग्रीन लगा सकती हूँ, ठीक है। रेड लगा दिया मैंने ऊपर तो वाइट लगा सकती हूँ, येलो लगा सकती हूँ, रेड के साथ नीचे ग्रीन लगा सकती हूँ। ऊपर येलो लगा दिया तो नीचे वाइट, ऊपर येलो तो नीचे ग्रीन, और ऊपर येलो तो नीचे रेड, और ग्रीन के साथ वाइट, ग्रीन के साथ रेड, और भैया ग्रीन के साथ येलो, कितने सिग्नल बन गए, 12 सिग्नल हमारे बन जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से? चलिए मैं यही ले लेती हूँ, पेंस ले लेती हूँ। 1, 2, 3 और 4 मेरे पास ये चार फ्लैग हैं, ये चार फ्लैग हैं मेरे पास चार फ्लैग, और दो फ्लैग्स को लेकर मैंने सिग्नल बनाना है। तो मैं ऊपर नीचे में भी फ़र्क आ जाएगा, ऊपर रेड है और नीचे ग्रीन है तो अलग सिग्नल है, और ऊपर ग्रीन है और नीचे रेड है तो सिग्नल अलग है ये, ठीक है ना। आपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग देखे होंगे, कई कंट्रीज़ के फ्लैग आपस में इतने मिलते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कलर्स वही होते हैं, बस थोड़े थोड़े उन पर सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ आ रही है, सिग्नल बनाना है। ऊपर ग्रीन नीचे रेड है तो अलग सिग्नल है, और ऊपर रेड नीचे ग्रीन है तो अलग सिग्नल है। रेड के साथ मैं ब्लू भी लगा सकती हूँ, रेड के साथ मैं ब्लैक भी, मैंने ऊपर ब्लैक लगा दिया तो नीचे ग्रीन एक सिग्नल बना, ब्लैक के साथ ब्लू दो सिग्नल बना, ब्लैक के साथ रेड हमारा तीन सिग्नल बना। इस तरह हमारे तीन सिग्नल्स हमारे बन जाते हैं। पेन से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम फ्लैग्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे यूज कर सकते हो भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे यूज कर सकते हो? तो आप, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई टोटल फ्लैग्स कितने हैं, चार हैं, टोटल फ्लैग्स चार हैं, कितने सिग्नल के लिए कितने फ्लैग्स यूज करने हैं, फ्लैग्स यूज्ड फॉर सिग्नल कितने हैं, दो यूज करने, यानी दो प्लेसेज हैं हमारे पास। डिफरेंट का मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बिकॉज वी वॉन्ट डिफरेंट सिग्नल, तो रिपीटिशन ऑफ कलर इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, तो कितने सिग्नल्स बन जाएंगे भाई। हमारे पास चार झंडे हैं तो फर्स्ट प्लेस पर तो चारों झंडे आ सकते हैं, लेकिन जो झंडा, जो कलर हमने ऊपर यूज कर लिया वो नीचे यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ तीन आएंगे, तो 4 × 3 यानी कि 12 डिफरेंट सिग्नल्स हमारे बन जाते हैं। गॉट इट, समझ आई बात? आप लिख भी सकते हो कि फर्स्ट प्लेस ऑफ फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, सेकंड प्लेस ऑफ फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तो टोटल हमारे बन जाते हैं 12 सिग्नल्स। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट में राइट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी। हाउ मैनी 2-digit even numbers, ठीक है भाई, बस इतना सा मैं लिखूंगी। हाउ मैनी 2-digit even numbers कैन बी फॉर्म्ड, दो अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ये बात अब आपने ध्यान रखनी है कि डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो अब मैं दो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ, तो अब आप यहाँ लिखेंगे टोटल डिजिट्स कितनी हैं, 5, टोटल डिजिट्स
कितनी है भाई? 5 है। कौन कौन सी हैं? आप उनको यहाँ पर कोमा लगा के राइट कर सकते हो तो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। और जितनी डिजिट्स हमने यूज करनी है वो कितनी है? वो 2 हैं। डिजिट्स टू बी यूज्ड, डिजिट्स टू बी यूज्ड, कितनी डिजिट्स यूज करनी है? एनी 2 डिजिट्स। अब एक बात का ध्यान दो कि हमें इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है तो ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, बिकॉज वी हैव टू मेक, ठीक है भाई, या वी हैव टू फॉर्म एन इवन नंबर, वी हैव टू फॉर्म एन इवन नंबर, हमें एक इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 आते हैं। तो अब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें इवन नंबर बनाना है, इसका मतलब वंस प्लेस जो इकाई का स्थान है कैन बी फिल्ड बाय किस किस से। अब हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 ही तो बचते हैं, 1-2 बचता है, 4 बचता है, 2 और 4 ओनली। जो इकाई का स्थान है वहाँ केवल और केवल या तो 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, ठीक है। इसको हम केवल कितने ढंग से भर सकते हैं? 2 ढंग से। हमारे पास 2 पोजीशन है तो पहले इस पर हमें अब फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इवन नंबर लेना है ना, इवन नंबर लेना है तो पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये 2 नहीं, 2 ढंग से, या तो यहाँ 2 आएगा या 4 आएगा, 2 तरीके से। अब बच जाता है टेंस प्लेस, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है तो इन 5-6 डिजिट को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात अब आप यहाँ लिखो, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो वंस के बाद अगला प्लेस किसका आता है? टेंस का, दहाई का, स्थान का। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, तो टोटल 2 डिजिट्स इवन नंबर्स आर, टोटल 2 डिजिट्स इवन नंबर्स आर कितने हो जाएंगे? ये 5 ढंग से, ये 2 ढंग से, तो 5×2=10 नंबर आपके बनेंगे। प्रैक्टिकल अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, 12, 22, 32, 42, 52, ठीक है भाई, 14, 24, 34, 44, 54, ठीक है, 10 नंबर है, 10 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो मेन जो इसमें बात थी, जो आपने ध्यान देना था, वो ये था कि क्योंकि अब इन्होंने इवन नंबर बोल दिया है तो ये पोजीशन हमारी फिक्स हो गई है। और अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल लेने जा रही हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, ध्यान देना है, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, कम से कम 2 झंडे, वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इन 5, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। बिल्कुल ये हमारे सेकंड एग्जांपल की तरह है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है। हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है, और हमें कम से कम 2 झंडे लेकर अलग अलग सिग्नल बनाने हैं। ध्यान देना है भाई, 2 झंडों वाले सिग्नल कितने बनेंगे पहले तो ये बताना है, ठीक है, फिर 3 झंडों वाले कितने सिग्नल बनेंगे हमें ये बताना है, फिर 4 झंडों वाले कितने सिग्नल बनेंगे हमें ये बताना है, क्लियर, और 5 वाले कितने सिग्नल बनेंगे ये हमें बताना है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड विद एट लीस्ट, कम से कम 2 झंडे जरूर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेने हैं। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हो जाएंगे, सिग्नल्स विद 2 फ्लैग्स, ठीक है भाई, सिग्नल्स, थोड़ा मैं उससे स्टेटमेंट से नहीं करा रही हूँ, अब आप अपने आप कर सकते हो, जब मैंने 3 एग्जांपल करा दिए हैं, सिग्नल्स विद 2 फ्लैग्स, तो 2 फ्लैग्स का तो हम कर चुके हैं। एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें डिफरेंट वर्ड आ चुका है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 5 फ्लैग पहली जगह लगेंगे और 4 दूसरी जगह, तो 20 सिग्नल बन गए हमारे, कितने सिग्नल बन गए भाई? 20 सिग्नल्स बन गए। इसके बाद आ जाता है हमारा सिग्नल्स विद 3 फ्लैग्स,
सिग्नल्स विद थ्री फ्लैग्स। भाई देखो ना, यहाँ सिंपल है, पांच यहाँ और चार यहाँ, इनकी प्रोडक्ट करोगे तो 20 बन गए। पांच यहाँ, चार यहाँ, तीन यहाँ, पांचों के 20 दिया 60, तो 5, 4 और 3, तो ये हमारे कितने सिग्नल्स बन जाते हैं, 60 सिग्नल्स बन जाते हैं। उसके बाद थर्ड पे आ जाओ विद फोर फ्लैग्स, चार झंडे लेके हम कितने सिग्नल बना सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 120 सिग्नल बना सकते हैं। और बेटा जी पांच फ्लैग लेकर भी 120 ही बनेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में एक ही झंडा बचता है, तो ये 120 सिग्नल। अब उसने पूछा टोटल सिग्नल्स, तो इन सब को आपने कर देना है ऐड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 20 + 60 + 120 + 120, 240 और 60 320 अलग अलग सिग्नल्स हम बना सकते हैं, कम से कम दो झंडे लेकर। तो ये चारों एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है, आप जरा इन्हें अच्छे से देखें, पहले इन एग्जांपल्स को, बेसिक्स को क्लियर करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसके बाद ही मैं अगली एक्सरसाइज का लेक्चर आपके लिए तैयार कर सकूं। अगर इसमें कुछ कमी रह गई, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो उसको सुधार करके फिर मैं वहाँ पर एक्सरसाइज में और इम्प्रूव कर सकूं। अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं आपको, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।